दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के तीसरे वनडे मैच में वैसे तो कैमरामैन काफी बिजी रहे, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टहलका मचाना शुरू किया, तब कैमरे में एक ऐसी खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल कैद हुई जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत अपना दिल दे बैठा। आपको बता दे, आज मैच में एक ऐसी लड़की को देखा गया जिसकी खूबसूरती देख आपकी भी आंखें चकरा जाएंगी। आखिर रोहित शर्मा के छक्के पर उसने क्या किया, वह जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। श्रीलंका में इस लड़की ने भारत को किया दिल से सपोर्ट, लेकिन भारत की हार पर कैसे इस खूबसूरत लड़की का टूट गया दिल और फूट फूट कर रो पड़ी, यह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच में पूरे दिन रोहित शर्मा ही नजर आए। आज उन्होंने किया भी कुछ ऐसा, और आपने सुना ही होगा कि रोहित शर्मा का पानी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी भारत को मैच जिताते हैं। वही इस मैच में भी रोहित शर्मा भारतीय टीम को लगभग जीता ही चुके थे। इस मुकाबले में उन्होंने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से मैच को भारत के लिए जीता ही दिया था, और श्रीलंका की टीम पर अकेले रोहित शर्मा भारी पड़ रहे थे। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने केवल 44 बॉल में 65 रन बनाए, और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 गगनचुंगी छक्के भी जड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करके दिखाई थी, और गेंदबाजी के दौरान भी रोहित शर्मा ने गजब की फील्डिंग भी करी। लेकिन असली मजा तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में आया। रोहित शर्मा तो आज वनडे को T20 के अंदाज में खेल रहे थे, और इस पारी के सातवें ओवर की चौथी गेंद पर जब रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक अंदाज में फुल शॉट खेलते हुए खतरनाक छक्का जड़ दिया, तो वह देखने लायक था। रोहित शर्मा का यह फेवरेट शॉट है, और जिस तरह से उन्होंने यह 100 मीटर का छक्का जड़ा, उसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया था। दोस्तों, इसी दौरान मुकाबले में आकर्षण का केंद्र रही एक बेहद ही खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल। जी हाँ, आपको बता दें, वैसे तो क्रिकेट मैचे देखने कई सारी खूबसूरत लड़कियों आती है, और मैच के दौरान इन खूबसूरत लड़कियों को देखा जाता है, और उसके लिए कैमरामैन भी हमेशा ही तैयार रहते हैं। और रोहित शर्मा के छक्के के दौरान भी कैमरामैन ने वहीं पर फोकस किया जहां पर वह लड़कियां थी। जी हाँ, आपको बता दें, आज रोहित शर्मा अपने अंदाज में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस समय बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखा गया। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने इसके बाद जब 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और खतरनाक छक्का लगाया, तो उस लड्डिस्की को दोबारा कैमरामैन ने दिया। उस लड्डिस्की ने भी डांस करते हुए अपनी खुशी जाहिर करी, और जी हां, आपको बता दें, यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उस लड़की के साथ जमकर वायरल हो रहा है। और यही नहीं, आज के मुकाबले में तो इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां थी कि कैमरामैन तो बार-बार उन्हें ही फोकस करके दिखा रहा था। साथ ही मैच देखने पहुंची रितिका भी इस लड़की को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वह रोहित शर्मा के चौके छक्कों पर झूम रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए और भारत यह मैच हार गया, तो यह लड़की रो पड़ी थी और बेहद मायूस हो गई थी। तो दोस्तों, आप सभी इस मिस्ट्री गर्ल की खूबसूरती को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वॉटिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नजारा देखकर तो डरना दूर। वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज, यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी, लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहीं मजाक मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम हर कोई तंग रह जाता है, और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की, और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया। लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू इस्तेमाल किया, और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी, इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए, उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई, और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से मुक्का बनाकर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो
मजाकी अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और चार ओवर में टीम के स्कोर को बड़े ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया, आठवां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया, खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया, अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए नौवां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया, लगातार दो चौके चढ़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया, 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिटे हुए थे, अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अक्षर पटेल से लेकर वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, हर गेंदबाजों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी सामना कर रहे थे। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, तो वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 रनों पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद टीम इंडिया को दूसरी सफलता हासिल हो गई। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी पल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी थी। भारतीय टीम की स्पिन अटैकिंग जोड़ी लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। 20 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 81 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। टीम की पूरी जिम्मेदारी अब कप्तान असलंका पर आ चुकी थी। समर विक्रमा उनका भरपूर साथ दे रहे थे, स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजे में कसकर इन दोनों बल्लेबाजों को रखे हुए थे। एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बल्लेबाज भी इन
मैदान पर खूब संघर्ष कर रहे थे। कछुए की रफ्तार की तरह स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। जैसे श्रीलंका का स्कोर आगे बढ़ रहा था और भारतीय गेंदबाज विकेट ले रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका भारत के सामने 220 में से 230 रनों का लक्ष्य रख पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है?